नमस्कार दोस्तों। तो आज हम राजस्थान सीरीज के अंदर बात करेंगे, पूर्वी राजस्थान के जो प्रसिद्ध मेले हैं उनका क्या नाम है। तो दोस्तों, पुष्कर नहीं है, तीर्थराज मेला है जो मचकुंड धौलपुर का है, दशहरा मेला है वो कोटा का है, केला देवी मेला है वो करौली का है, मेहंदीपुर बालाजी मेला है वो दौसा का है। पोमचा, पोमचा क्या होता है? पोमचा एक ओढ़नी है और उसके ऊपर कमल के फूल बने होते हैं। दो तरह के पोमचे होते हैं, एक तो होता है गुलाबी, एक होता है पीला। गुलाबी जब नव प्रसूता द्वारा पुत्री जन्म पर ओढ़ी जाती है, गुलाबी और पीला पुत्र के जन्म पर। हाड़ौती चित्रकला है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? प्रकृति का सतरंगा चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता है। आकृतियां साधारणतः लंबी, शरीर पतले, स्फूर्तिदायक दिखाए गए हैं और इसमें युगल शैली और मेवाड़ शैली दोनों तत्वों का समावेश हुआ है। गरासिया जनजाति है, उनके कुछ मुख्य नृत्य हैं। पहला है कूद नृत्य, वालर नृत्य, गोर नृत्य, जवारा नृत्य, और उसके बाद रंगाई के प्रकार क्या है? रंगाई के प्रकार है पोमचा, लहरिया और चूनरी। शेखावटी चित्र शैली, ये कंपटीशन की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण तथ्य आपको मैं बता रहा हूँ। शेखावटी चित्र शैली, इसका विकास 19वीं सदी में हवेलियों पर भित्ति चित्रण के रूप में हुआ और इस शैली के चित्रण में फ्रेस्को तकनीकी यानी कि आला गीला का प्रयोग हुआ है। विषय वस्तु की दृष्टि से इस भित्ति चित्रण कला को चार धार्मिक चित्र, सामंती, श्रृंगारिक और लोक जीवन विशेषक बताया गया। इस शैली के भित्ति चित्रण के उदाहरण आपको डालमिया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में, नागरमल सोमाणी की हवेली, इस्माइलपुर झुंझुनू और बिहारीमल प्रहलाद राय केड़िया की हवेली फतेहपुर सीकर है। विश्वनाथ गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू, सेठमल की हवेली नवलगढ़ सीकर देखने को मिलती है। तमाशा और स्वांग, ये कला संस्कृति के अंदर पूछते हैं। तमाशा जो है वो क्या है? वो महाराष्ट्र की लोक नाट्य विद्या है, राजस्थान में जयपुर के में इसमें फेमस है। खुले मंच पर तमाशा होता है और प्रमुख तमाशे कौन से हैं? जोगी जोगन, हीर रांझा, गोपी चंद, जुट्ठन मियाँ। कलाकार कौन है तमाशा के? वासुदेव भट्ट, गोपी भट्ट, फूलजी भट्ट और मन्नू जी भट्ट इसके प्रमुख कलाकार हैं। स्वांग, स्वांग क्या है? स्वांग शेखावटी, मेवाड़ और भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है और मुख्यतः नृत्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसका उदाहरण है शेखावटी में गिद्दड़ नृत्य। प्रमुख स्वांग है नहारों की सांग, मियाँ बीवी, चाचा बोहरा, और इसके कलाकार कौन से हैं? जानकी लाल भांड और परमेश्वर लाल भांड इसके प्रमुख कलाकार हैं। लोकगीत, लोकगीत कुर्जा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घूमर, केवड़ा, ओगवा, हलरिया ये प्रमुख लोकगीत हैं और कुछ संगीतज्ञ जातियां हैं कामड़, भोपे, लंगा, मिरासी, कलावंत। और तीज त्यौहार एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज है वो श्रावणी तीज होती है, इसके साथ त्योहारों का आगमन होता है। गणगौर जो चैत्र शुक्ल तृतीया के साथ ही प्रमुख त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। चैत में प्रमुख त्योहार कौन से होते हैं? चैत्र कृष्ण फर्स्ट में धुलंडी, चैत्र कृष्ण एट में घुड़ला, चैत्र शुक्ल फर्स्ट में शीतला अष्टमी, चैत्र शुक्ल फर्स्ट में अरुंधति व्रत, चैत्र शुक्ल थर्ड में गणगौर,
और रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को ये प्रमुख होते हैं। लोकगीतों की बात करते हैं तो राजस्थान की ढोली, मिरासी, लंगा, दाढ़ी, कलावंत, भाट, कामड़, कालबेलिया ये जातियां हैं जो लोक संगीत में महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान के लोकगीत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लोकगीत हैं। इलारुण, मामे खां, सरताज खां, सरवर खां, अल्ला जिल्ला बाई, ये लोक गायकों ने राजस्थान को देश विदेश में पहचान दिलाई है। बॉलीवुड फिल्मों में भी कई गाने, इलारुण का खलनायक फिल्म का चोली के पीछे, सरताज और सरवर खां का दंगल फिल्म का हानिकारक बापू लोकप्रिय गीत हैं। तो आप हमारी सीरीज से जुड़े रहिए, आपको कंपटीशन में आने वाले मुख्य तथ्य इस सीरीज़ के माध्यम से बताया जाएगा और मेरा विश्वास है कि इस सीरीज से बाहर बहुत कम चांस है कि आपका कोई प्रश्न रह जाए। तो इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, इस सीरीज़ को आप पूरा सुनिए। धन्यवाद।